इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे अब शाखों से बम आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। एक तरफ दिल्ली में डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया अपने पप्पा के पीछे पीछे उत्तर प्रदेश की सैर कर रही है। कभी वाराणसी, कभी काशी, तो कभी कानपुर में हो रहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की रैलियों को दिखाकर, उसमें भाड़े पर बुलाए गए लोगों की भीड़ पर कैमरा फोकस कर पूरे देश को यह दिखाने में लगी है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पप्पा की ही सरकार बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है, महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रही है, लेकिन सत्ता की गोद में बैठकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों ने इस पर कोई खबर तक नहीं चलाया। लेकिन जरा याद कीजिए उन दिनों को जब कोरोना काल के समय प्रधानमंत्री ने उन्हीं डॉक्टरों पर फूलों की बारिश की थी, उन्हीं डॉक्टरों के लिए ताली और थाली बजवाया था। मीडिया ने उस इवेंट को मेगा कवरेज कर उसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया था। उस समय खुद प्रधानमंत्री इन्हीं डॉक्टरों के पीछे छुपकर कोरोना की नाकामियों को अपने ऊपर फूटने से दूर कर रहे थे और मीडिया कोरोना में मरते लोगों के लिए सिस्टम को लाचार बता रही थी। लेकिन बेबस और लाचार पड़े पत्रकारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर ये बता सके कि सिस्टम की नाकामी का मतलब होता है प्रधानमंत्री का निकम्मापन। अगर आपको कोरोना के समय मीडिया की डिबेट्स याद हो या फिर मीडिया की मेगा कवरेज, सब में डॉक्टरों को ऊपर रखा जाता था, डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप बताया जाता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उन्हीं डॉक्टरों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है, पुलिस धक्के दे रही है, पुलिस उसे हिरासत में ले रही है, पुलिस उसे प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। लेकिन इस खबर में मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है, गोदी के किसी खलियर ने इस पर एक डिबेट शो तक नहीं किया। मीडिया के इसी दोगलेपन पर डॉक्टर हरजीत सिंह भाटी ट्वीट करते हुए कहते हैं, सलमान खान को सांप ने काटा वाली खबर, दिन भर चलाने वाली गोदी मीडिया, डॉक्टर्स को पुलिस ने पीटा वाली खबर कब चलाओगे, हैशटैग दोगलापन। डॉक्टर हरजीत सिंह भाटी यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ डाला। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री जी मेरा आपसे केवल एक सवाल है, कोविड वॉरियर्स को सड़क पर पीटा गया, महिला डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी हुई, क्या आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, किस मिट्टी के बने हो, कुछ तो बोलो। फिलहाल डॉक्टर्स हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने को है। कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के खौफ के बीच दिल्ली में कोविड-19 के नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आइए दिखाते हैं सत्ता की गोद में बैठकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का हाल। गोदी की एक पत्रकार है जिसको मीडिया इंडस्ट्री में टॉनिक गर्ल के नाम से जाना जाता है, आप उसे रूबी का लियाकत भी कह सकते हैं। वो मोहतरमा बचपन के प्यार वाले सहदेव के एक्सीडेंट पर ट्वीट कर देती है, लेकिन डॉक्टरों पर अपनी जुबान नहीं खोल पाती। वहीं दूसरी तरफ News 24 के पत्रकार है मानव गुप्ता, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो सहदेव पर तो ट्वीट करते हैं लेकिन डॉक्टरों पर कुछ नहीं बोल पा रहे। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि इन पत्रकारों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो हक की आवाज नहीं उठा पा रहे, सच नहीं बोल पा रहे हैं, बल्कि एजेंडा चलाना, नफरत फैलाना और किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन जाने को ही ये पत्रकारिता समझने लगे। ऐसे में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर मीडिया की चुप्पी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मीडिया का दोगलापन देश के सामने आ सके। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।